जिस दिन नेंज खत्म हुए उसी दिन उठा के सारी किताबें फेंक दी सब मटेरियल डिलीट कर दिया आज कंप्यूटर से सब मैंने कहा अब मेरा हो गया अगर तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा एक दुश्मन है और तुम्हें उसे खत्म करना है उसको बोलो सिविल सर्विसेज का पेपर दे हैं बेस्ट तरीका है किसी की जिंदगी बर्बाद करने का आई एस बन तो जाएंगे बट उसके बाद की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत अलग होती है तो मेरे साथ गवर्नमेंट में आकर डिस्क्रिमिनेशन हुआ पहली बार आया करने का तब होता था जब छोटी थी तीन चार साल की हुआ ये कि uh, मेरठ में ना uh, उस टाइम पे काफ़ी कर्फ्यू लगते थे एंड जब कर्फ्यू लगते थे ना uh, तब सब लोग ये बोलते थे कि डीएम ने लगाया ये ऑर्डर एंड डीएम ने बोला है कि लोग इतने बजे से इतने बजे तक ही बाहर निकल सकते हैं एंड डी एम ने बुलाया कि आप ये कर सकते हो तो मुझे लगता था यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा जॉब है आप सबको बोल सकते हो कि तुम यहाँ से ये करो और ये करो एंड यू नो रिस्पॉन्सिबिलिटी का बहुत मुझे वो लगा कि एक डीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी होती है कितना ज़्यादा काम होता है एंड कितना सब कुछ कंट्रोल करना पड़ता है तो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा <laughs> नमस्ते मेरा नाम ईरा सिंघल है और मैं एक आई ऑफिसर हूँ एंड uh, मैं आई में कैसे आई इसकी कहानी थोड़ी लंबी और थोड़ी स्ट्रेंज है मैं यूपी से हूँ बेसिकली uh, दिल्ली में 25 साल के आसपास हो गए बट रूट्स अभी भी वहीं से हैं तो दिल्ली रहती थी मैं जब, तो यू नो टिपिकल जो घर में होता है कि भाई एक करियर पाथ चूज़ करना है आई वेंट इन मैंने इंजीनियरिंग करी एंड उसमें रियलाइज हुआ कि शायद इंजीनियरिंग के लिए तो तुम ठीक नहीं हो तो सोचा कि चलो कुछ और वो करते हैं देन आई मैंने एम किया एंड उसके बाद आई वर्क विथ कैडबरी एंड आई नो सबको ऑडियंस को, को चॉकलेट तो पता होगा मतलब कम ऑन राइट सो मैंने कैडबरी में काम किया एंड मैं जहाँ मुकेश अम्बानी जी का घर है एंटला उसके सामने रहती थी एंड थ्री बी एच के कंपनी ने मुझे दिया हुआ था बहुत ही अमेजिंग जॉब था मुझे बहुत नई नई चीज़ें कंपनी करने को मिली इस कंपनी में मतलब आई हैड द टाइम ऑफ माई बहुत मज़े आए मुझे बट एंड uh, uh, मेरी सैलरी बहुत अच्छी थी जितनी मैं खर्च नहीं कर सकती थी मैं उससे ज़्यादा कमाती थी बट हुआ ये कि मुझे एक पॉइंट पे रियलाइज़ होने लगा कि uh, मुझे अपनी लाइफ में कुछ uh, ऐसा करना है जिससे यू नो लोगों की ज़िंदगी पे फ़र्क पड़े किसी और को मेरे मैं uh, एक पॉइंट पे 16 से 20 घंटे काम करती थी एक दिन में और मजाक नहीं है सोलह से बीस घंटे मैं एक्चुअली काम करती थी फिर मुझे रिलाइज़ हुआ कि इतना करने के बाद जो बाह यू नो जो आउटपुट था मेरे दिन का जो मैंने फाइनली अचीव किया उसमें किसी को फ़र्क नहीं पड़ा किसी की ज़िंदगी बेटर नहीं हुई किसी की लाइफ को कुछ नहीं मिला सिर्फ मैंने बीस घंटे काम किया पैसे कमाए और घर आ गई एंड uh, मुझे लगा कि यार अगर तुम बीस घंटे काम करने की कैपेसिटी रखते हो तो uh, अगर तुम देश के लिए बीस घंटे काम करोगे तो कितना कुछ तुम अचीव कर सकते हो एंड मुझे एक इमोशनल जो होता है ना कि यू uh, नो you know, आपको जॉब से कुछ ऐसा मिल मतलब मुझे वो जरूरी था मेरे लिए वो बहुत जरूरी था कि मुझे एक इमोशनल सैटिस्फेक्शन मिले अपने जॉब से मुझे कुछ ऐसा मिले कि मुझे लगे मेरे इस मेहनत का किसी को फ़र्क पड़ा है मेरी इस मेहनत से किसी की ज़िंदगी बेटर हुई है किसी की लाइफ में कुछ इम्पैक्ट आया है uh, उस पॉइंट पे फिर मैंने सोचा कि ठीक है सिविल uh, सर्विसेज देते हैं ये एक अच्छा डिसीजन भी था क्योंकि दस uh, लाख लोग देते हैं हज़ार लोग बनते हैं तो आप ऐसे ऑप्शन के लिए यू नो विदाउट अ बैकअप प्लान नहीं कर सकते तो मेरा बैकअप प्लान बन गया था मैंने दो साल काम कर लिया था एंड कंपनी मेरे काम से खुश थी उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें जो चाहिए हम तुम्हें देने को तैयार हैं बट uh, तो मुझे एक यू नो बेस मिल गया था एक बेसिक ये था कि यार गिरूंगी अगर नहीं सिलेक्ट हुई तो भी यहाँ तक तो होंगी एंड उस लिए फिर मैंने क्विट करके डिसाइड किया कि मैं सिविल्स दूंगी दूँगी बहुत अजीब जो चीज़ हुई मेरे साथ मेरा पहले अटम्प में आई में सिलेक्शन हुआ एंड यहाँ पर कहानी शुरू होती है <laughs> मेरा आई में सिलेक्शन एक्चुअली आई में नहीं हुआ मेरे रैंक के हिसाब से आई में हुआ बट क्या हुआ कि जब सर्विस uh, अलॉटमेंट की लिस्ट आई कि एक होती है लिस्ट कि आपका क्या रैंक है दूसरी लिस्ट होती है कि आपको क्या सर्विस मिली है तो जब सर्विस अलॉटमेंट की लिस्ट आई उसमें मेरा नाम नहीं था अच्छा मैं तो अपना जॉब छोड़ के इसलिए आई थी कि आई ए एस या आई बनूंगी तो नहीं था मुझे पता था मेरे रैंक के हिसाब से वो तो मुझे नहीं मिलेगा तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं मैंने उस बारे में सोचा भी नहीं बट हुआ क्या मुझे थोड़े दिनों बाद लोगों के फ़ोन आने लगे जो और डिस पी डब्ल्यू डी कैटेगरी के पी एच कैंडिडेट्स थे उनके कि यू नो उन्हें भी सर्विस नहीं मिली है तो एंड मेरे माँ बाप को भी लगा कि बेटा तुम्हें अगर नाम आया है लिस्ट में तो एक बार चेक तो करो हुआ क्या तुम्हें सर्विस क्यों नहीं अलॉट हुई आ, मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था पर मैंने कहा चलो चेक करते हैं तो मैंने पता किया जाके ऑफिसिस में इधर उधर चक्कर काटे तब पता चला कि आ, बहुत ही ओके uh, सो okay, so ये थोड़ा एक्सप्लेन करने में कॉम्प्लिकेटेड है बेसिकली पी एच कैंडिडेट्स के लिए ना दो लिस्ट होती हैं ठीक है ठेके? दो पैरामीटर्स होते हैं एक आपकी डिसेबिलिटी क्या है जिसमें होता है कि आपके हाथ नहीं है आपके पैरों में प्रॉब्लम है आपकी यू uh, नो you know, आँखों में प्रॉब्लम है कानों में प्रॉब्लम है किस चीज़ में आपकी प्रॉब्लम है आपकी क्या डिसेबिलिटी है और दूसरी आप फिज़िकली क्या क्या कर सकते हो जो होता है कि आप चल सकते हो देख सकते हो uh, सीढ़ी क्लाइम कर सकते हो बेंड कर सकते हो खड़े हो सकते हो ऐसी चीज़ें Uh, और मेरे साथ क्या हुआ कि जो वो चीज़ें थी जो आप कर सकते हो वो सारी मैं फुलफ़िल करती थी सब सर्विसेज़ के लिए पर uh, मेरी जो डिसेबिलिटी थी वो उस लिस्ट ऑफ़ डिसेबिलिटीज में नहीं थी किसी भी सर्विस के लिए सिवाय आई के एंड uh, ये बहुत स्ट्रेंज था नॉर्मली आप ये सोचते हो कि प्राइवेट सेक्टर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन करेगा प्राइवेट सेक्टर ये करेगा कि आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हो तो वो आपको नहीं देंगे मेरे साथ उल्टा हुआ था गवर्नमेंट जिसलिए एक लौता मैंडेट है कि वो सबके साथ यू नो फेयर बिहेव करे सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे आर्टिकल सिक्सटी आर्टिकल फोर्टीन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है पर मेरे साथ गवर्नमेंट में आकर डिस्क्रिमिनेशन हुआ तो आ, ये बहुत ही स्ट्रेंज था एंड बहुत शॉकिंग सा था एंड मुझे समझ नहीं आया कुछ टाइम के लिए कि ऐसे कैसे हो सकता है ऐसे मतलब इतना इनसेन रूल कैसे हो सकता है कि हम कह रहे हैं आप जॉब कर सकते हो हम ये भी कह रहे हैं कि आप डिसेबल्ड कैटेगरी में हो पर क्योंकि हम में से कुछ लोग भूल गए थे कि आप जैसे लोग हो सकते हैं तो हमने आपको अपनी लिस्ट में नहीं डाला और इसलिए हम आपको जॉब नहीं देंगे इसका कोई लॉजिकली सेंस नहीं है इसका कोई सम आप कोई समझदार इंसान इस बारे में सोचे तो ये कैसे आ, आप अलाउ कर सकते हैं राइट तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके लिए लड़ते हैं इसको यू नो you know, मैंने कैट में केस किया क्रेजी थिंग आ, केस चल रहा था मैंने दोबारा अटैम्प्ट दिया क्योंकि आ, मैं तो आई एस आई बनने आई थी ना वो तो नहीं मिला था यहाँ पे मुझे पता था कि मेरा आई मिल रहा है मुझे बाय रैंक लिस्ट सेकेंड टाइम मैंने जब एग्ज़ाम दिया तो सेम सर्विस वापस वापस सेम सर्विस मैंने कहा यार ये तो बहुत ही अजीब सी चीज़ है फिर मुझे लगा कि यार ये तो केस ख़त्म नहीं हो रहा है तो चलो एक बार और अटैम्प्ट दे देते हैं तो मैंने थर्ड अटैम्प्ट दिया उसमें भी मुझे सेम सर्विस अलॉट का आ, मेरा रैंक एग्जैक्टली सिमिलर आया जिससे मुझे वही सेम सर्विस वापस अलॉट हो रही थी यानी बहुत रेयर है कि किसी के साथ तीन बार सेम सर्विस अलॉट हो मुझे लगा यार ये तो भगवान तुम्हें कहना चाहता है कि तुम्हें यही करना है तो यही करो तो ठीक है थर्ड टाइम का जब रिजल्ट आ रहा था उसके आसपास मेरा जजमेंट भी आ गया कोर्ट का जिसमें मुझे और सर्विस अलॉट करने को कोर्ट ने कह दिया फिर अब ऑप्शन ये था कि तीन बार से तुम्हें सेम सर्विस मिल रही है सेम सब कुछ हो रहा है तो ठीक है जॉइन यू नो अंतुमने उसके लिए लड़ाई भी करी है तो आई थाट कि बस अब हो गया तीन बार किसको सेम सर्विस मिलती है ठीक है अब जाके यही करते हैं आ, तो कोर्ट केस का जजमेंट आया तो मैंने कहा अच्छा चलो अभी थोड़ी देर में मेरे को जॉइनिंग आएगी थोड़ी देर में जॉइनिंग आएगी मैं बैठी रही बैठी रही बैठी रही तीन महीने तक कोई जवाब नहीं आया कुछ नहीं आया तो ये क्या हुआ तीन महीने हो गए अभी तक कुछ चिट्ठी नहीं आई कि जजमेंट हो गया है आओ ज्वाइन करो फ़ोन किया तो उन्होंने बोला अच्छा आपका जजमेंट हो गया किसी को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो चुका है किसी को पता ही नहीं था कि जजमेंट आ गया है उन्हें मुझे जॉब देनी है वो सब भूल चुके थे Uh, फिर मैंने याद दिलाया पेपर वर्क करवाया उनको जजमेंट भेजा कि भाई ये है जजमेंट ये कर दो uh, फिर वहाँ प्रोसेस स्टार्ट हुआ फिर मैं वेट कर रही थी कि अब तो ज्वाइन करवाएंगे अब तो ज्वाइन कराएंगे फिर कुछ नहीं आया इतने में uh, मेरे कुछ फ्रेंड एक फ्रेंड ने बोला कि तुम खाली बैठी हो तुम पेपर दे दो एक बार और मैंने कहा नहीं नहीं मेरे को तो ज्वाइन करना है मैं नहीं दूंगी और तीन बार के बाद कौन देता है अगर सेम सर्विस मिल रही है हर बार तो मैंने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं देना बट आ, फिर उसने बहुत इंसिस्ट किया और फिर मुझे लगा कि चलो मुझे कुछ आता है वो मेरे फ्रेंड का कभी भी सिलेक्शन नहीं हुआ था तो मुझे लगा चलो मुझे कुछ तो आता है आई ट्राई हेल्प हिम आउट मैंने जाके प्रम्स दिया आ, बहुत रिलक्टेंटली मतलब बिल्कुल मन नहीं था मेरा बट जबरदस्ती उठ के जाके दे दिया बिकॉज यू नो कुछ और तो कर नहीं रहे हो लाइफ में फिर मेन्स के टाइम से मैं वेट कर रही थी कि अब तो ज्वाइनिंग आएगी अब तो ज्वाइनिंग आएगी अब तो ज्वाइनिंग आएगी तब भी नहीं आई एंड ये हुआ कि मेन्स से दो या तीन हफ़्ते पहले मुझे एक चिट्ठी आई सेंग कि मेंस के अगले दिन जाके ज्वाइन करो अब ऑप्शन नहीं था तो एक महीने से मैं कुछ कर भी रही थी तो मैंने जाके मेंस दिया एंड उसके बाद मैंने जिस दिन मेंस ख़त्म हुए उसी दिन उठा के सारी किताबें फेंक दी सब मटेरियल डिलीट कर दिया आज कंप्यूटर से सब मैंने कहा अब मेरा हो गया एंड यू नो मैं सबको ये बोलती हूँ अगर तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा एक दुश्मन है और तुम्हें उसे खत्म करना है और तुम ऐसे ख़त्म करना चाहते हो कि इस दुश्मन को पता ना चले कि तुमने उसे ख़त्म किया है उसको बोलो सिविल सर्विसेज का पेपर दे दे उसको बोलो तू बहुत इंटेलिजेंट है तुम्हारा तो पक्का हो जाएगा और उसको सिविल सर्विसेज़ का पेपर देने के लिए कह दो बेस्ट तरीका है किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने का मतलब सालों तक आदमी एक कमरे में बंद गिल्ट में मरा रहता है और सेम किताबों को यू नो बार बार देख रहा है बार बार एक किताब पढ़ रहे हो आप एंड बार बार अगर आप नहीं सिलेक्ट हो रहे हो तो सोचिए आपके 20s, जो आपका मेन पीरियड होता है लाइफ में कुछ करने का वो ख़त्म हो जाता है एनी तो मेरी मेन्स से uh, के बाद मैंने जाके ज्वाइन कर लिया और मैं भूल गई कि मैंने एग्ज़ाम दिया है एंड uh, इस बार uh, जब रिज़ल्ट आया आई अगॉर्डिंग टू आई एस एंड दैट्स हाउ आई एम हियर। जनरली ना कहानी आपके आई एस बने तक ख़त्म हो जाती है लेट मी टेल यू कि उसके बाद क्या होता है आई ऑनेस्टली हैव टू से मेक आई थिंक इट्स द बेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड इतना अमेजिंग जॉब है ये आप जो करना चाहते हो आप कर सकते आप जिस सेक्टर में चाहेंगे आप उस सेक्टर में काम कर सकते हैं इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सो आई थिंक इट्स द मोस्ट सैटिस्फाइंग जॉब दुनिया में शायद इससे ज़्यादा सैटिस्फाइंग जॉब नहीं हो सकता एंड आपका हर दिन हर दिन अगर आपने तीन लोगों का आराम से सर्टिफिकेट भी बना दिया तो सोचिए तीन फैमिलीज़ को फ़र्क पड़ा आपके मैं गारंटी से कह सकती हूँ पर डे हमारे काम से कम से कम 300 से 400 लोगों को फर इंडिविजुअली फ़र्क पड़ता है तो आई थिंक इससे बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता सो यू नो मोस्टली लोग यहीं तक सोच पाते हैं कि आई बन तो जाएंगे बट उसके बाद की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत अलग होती है तो uh, मैं बस uh, यही बोलूँगी कि इट वॉज़ अ गुड डिसीजन मैंने सही किया कि मैं यहाँ आ गई बिकॉज़ इससे सेटिस्फाइंग जॉब नहीं हो सकता मैं सबको बस एक यही बात बोलना चाहूँगी कि पहले तो अपने लिए प्लान्स खुद बनाओ दुनिया तुम्हें रोकेगी दुनिया कहेगी कि तुम नहीं कर सकते हो बट कोई और तुम्हें नहीं जानता है कोई और तुम्हें नहीं जानता है कोई तुम्हारी पोटेंशियल नहीं जानता है और कोई और ये जज करने के काबिल नहीं है तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं तो किसी और को अपने बारे में डिसाइड मत करने दो ड्रीम्स अपनी होनी चाहिए दूसरों की अगर ड्रीम्स पे चलने की कोशिश करोगे तो नहीं कर पाओगे किसी और के लिए मेहनत करना बहुत मुश्किल होता है अपने सपनों के लिए मेहनत करना आसान होता है अपने लिए प्लान्स बनाओ एंड कभी किसी और नो बड़ी एल्स नोज यू कोई और तुम्हें नहीं जानता आ, तो किसी और की बातों पर मत आओ दुनिया हमेशा आ, कोई तुम्हारे अच्छे के बारे में सोच रहा है ऐसा कम ही होगा खुद के बारे में सोचो थैंक यू